प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज दिनांक 25 मार्च को पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना डेली राशिफल लेकर। लेकिन आज जिस हालात में हम सभी लोग कोरोना नामक महामारी के दहशत से जूझ रहे हैं, तो उस दहशत को कम करने के लिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरकार द्वारा दी जा रही सभी गाइडलाइंस को सच्चे मन से उनका पालन करिए, ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। इस महामारी को जिस तरीके से इसने इटली की जनसंख्या को प्रभावित किया है, इटली और ईरान में हाहाकार मचाया है, उस दहशत को हम तक ना पहुंचाए और सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम इसके कम से कम हानि को सहते हुए इस कोरोना नामक वायरस को हमेशा हमेशा के लिए भारत भूमि से खत्म कर सकें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय आधे से अधिक हिंदुस्तान में कर्फ्यू लगा हुआ है या धारा 144 लगी हुई है। कोरोना के चक्कर में सारे काम धंधे लगभग बंद हो गए हैं, लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं कोरोना की दहशत के कारण। तो उस समय हम सब लोगों को अपना समय अपने परिवार के साथ हंसी खुशी व्यतीत करते हुए उनसे और ज़्यादा नज़दीकी संबंध बनाने के काम में लाना चाहिए, ताकि हमारे जो अपने परिवार जनों के साथ संबंध है उनमें और अधिक दृढ़ता आ सके, जो फिलहाल इसलिए नहीं आ पा रही थी कि हम सभी लोग कामकाजी लोग होने की वजह से अत्यंत वर्कलोड के कारण, काम के अधिक घंटों के कारण हम अपने परिवार को समुचित समय नहीं दे पा रहे थे। तो कोरोना नामक वायरस की वजह से आज हम अपने परिवार के ज़्यादा नज़दीक हैं, उनके साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। तो इस विपत्ति के समय में भी आप अपना धैर्य न खोएं, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें, ताकि हम शीघ्रता शीघ्र कोरोना मुक्त भारत का निर्माण कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आज 25 मार्च सन 2020 दिन बुधवार, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, ब्रह्मा योग है, रेवती नक्षत्र का प्रथम चरण है और आज का जो राहु काल है वह 12:27 से लेकर दोपहर में 1:59 तक शाम को बना रहेगा। राहु काल के दौरान आप अपने जो नए कर्म कोई करना चाहते हैं, नया कार्य करना चाहते हैं, उसको ना करें। इसके साथ ही मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या उनके जीवन का कोई महत्वपूर्ण दिन है। अगर आप चाहते हैं इस दिन पर मैं आपको कोई पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजूं, तो आप हमारी जो ऐप है मोबाइल ऐप उसको डाउनलोड कर वहां पर अगर आप अपनी डिटेल्स देंगे तो मैं निश्चित रूप से आगे से हमेशा आपको पर्सनलाइज्ड मैसेज देता रहूँगा। हमारी ऐप की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी डिटेल हमें भेज दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपको पर्सनलाइज बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या अन्य शुभ अवसर के मैसेज या फोटो आपको भेज सकें। तो आइए शुरू करते हैं कैसा रहेगा आज का ग्रह गोचर। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उनके भाई बहनों के आशीर्वाद को लेकर, उनकी अपनी माँ के आशीर्वाद को लेकर आगे बढ़ने का दिन है। आज आप भाई बहनों के साथ मिलकर, अपनी माँ के साथ मिलकर अपने मकान में, अपने वाहन में जो कुछ भी करेंगे आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में हम कहना चाहेंगे कि आज आप जो कुछ भी करेंगे निश्चित रूप से आपको कहीं से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट के कारण, उसकी तैयारी के कारण
जो आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं शुभ फलों की प्राप्ति होने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। फिर भी वो स्टूडेंट जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता या बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते, उन स्टूडेंट से कहना चाहेंगे कि बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क स्थापित करें। निश्चित रूप से हमारे छोटे मोटे उपाय के द्वारा आप हर बार पहले से ज्यादा नंबर लाया करेंगे, ऐसा हम आपको वचन देते हैं। जो प्रेमी युगल हैं उनसे कहना चाहेंगे कि प्रेम संबंधों को शुभता प्रदान करें, अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आगे आने वाला समय आप ही लोगों का समय है। अगर बात करते हैं बीमारी से संबंधित, तो कुछ जो इम्पोटेंसी से संबंधित समस्याएं आपको विचलित कर सकती हैं, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाए, मजबूत बनाए। अगर हमारी कोई मदद की जरूरत है तो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय का फायदा उठाकर आप अपने जीवन की किसी भी प्रकार की जड़ता में हमसे मदद ले सकते हैं। जीवन साथी के साथ जैसा कि आप जानते हैं आपके संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रहते हैं, तो अपने जीवन साथी को हमेशा खुश रखने के लिए या अपने संबंधों को सुधार लाने के लिए आपको हमेशा जीवन साथी से संबंधित रतन की एक अंगूठी मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा और जागृत करवाकर अपने हाथ में धारण करनी चाहिए। अगर ऐसी अंगूठी आपको नहीं मिल पा रही है तो आप बिना किसी चेक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क स्थापित कर अपने साइज की हमारे खुद के द्वारा मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा और जागृत की हुई अंगूठी हमारे द्वारा आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने में प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए बस आप हमसे संपर्क कीजिए, हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। जय श्री देव, मैं विनीता लक्ष्मी नगर से, और काफी टाइम से हम काफी परेशान थे काम को लेकर के, अपना कोई भी काम नहीं बन रहा था उसको लेकर काफी परेशान थे। मैंने यूट्यूब पे गुरु माँ की वीडियो देखी थी, तो मैं यहाँ पर आई थी नौकरी के लिए, आई थी यहाँ पर। गुरु माँ ने मेरी कुंडली देखी, कुंडली देखने के बाद में मुझे बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक रिंग भी बनवाई है, ये तो उसके बाद हमारे सारे काम बनने लग गए। टाइम टाइम से गुरु माँ ने जो मार्गदर्शन किया, जो बताया वो हमने किया, उस तरह से करते रहे हैं, तो उससे हमारे सारे काम बनने लग गए। जैसे कि मेरा अभी जॉब भी अच्छा हो गया, मेरे काम नहीं बन रहे थे, काम बनते बनते रुक जाते थे, तो वो काम सारे बनने शुरू हो गए, अच्छे काम बन रहे हैं। दूसरा, मेरा मकान का, कई सालों से मकान का नहीं बन पा रहा था, काम बनता था, लास्ट मोमेंट पे आते आते वो कैंसिल हो जाता था, नहीं हो पा रहा था, तो वो काम बना। आज हमारा अपना मकान हो गया, रजिस्ट्री हो गई, और हम इसी हफ्ते में शिफ्ट करने वाले हैं, गुरु जी की कृपा से, गुरु माँ जी की कृपा से। और सब कुछ देख रहे हैं, देखते देखते सारे काम बन रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, और गुरु माँ के आशीर्वाद से आगे भी सब अच्छे। तो मैं आप लोगों को सबको यही कहूँगी कि आप लोग एक विश्वास से एक बार गुरु माँ गुरु जी को अपनी कुंडली दिखाइए और अपनी परेशानियों के उपाय जरूर करवाएं, क्योंकि मुझे फायदा हुआ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी वो फायदा जरूर हो। शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर आए, गुरु जी और गुरु माँ को अपनी कुंडली दिखाएं, कुंडली दिखा के अपनी समस्याओं का उपाय एक बार जरूर करवाएं। कुछ उलझने आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, ससुराल की तरफ से कुछ शुभ नहीं दिखाई दे रहा है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो आप अपने कैरियर से ही अपना भाग्य बना सकते हैं, आपका प्रेम भी आपको भाग्य बनाने में मदद दे सकता है, तो उसका शुभ फायदा उठाइए। इसी प्रकार से आपके कार्य, आपका व्यापार या आपकी नौकरी भी आपकी पढ़ाई लिखाई के कारण ही आप कैरियर का निर्माण हो रहा है, और आपके कार्यस्थल पर भी उसके कारण फायदा पहुँच रहा है। आप अपने प्रेमीजन की सलाह मानकर अपने कार्यस्थल पर किए गए बदलाव या व्यवहार से उसको दुरुस्त कर सकते हैं, अच्छे रिजल्टों की प्राप्ति कर सकते हैं। आमदनी की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आप अपने माता के आशीर्वाद से, माता की सलाह मानकर चलने से आमदनी में वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। लव टिप्स की बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, तो वृश्चिक राशि वाले लोगों से हम कहना चाहेंगे 150 ग्राम चने की दाल लेकर आप उसे किसी गरीब ब्राह्मण को दान करें, श्रद्धा पूर्वक दान करें, और ऐसा निरंतर 3 दिन तक करें, तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर ऐसा करने के बावजूद या आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क स्थापित कर इस कार्य में हमारी मदद ले सकते हैं। हम आपका चेहरा देखकर, आपकी परेशानी देखकर, आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से आपकी हर संभव मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं कल आपसे, कल के ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।